दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ, आप मुझे बहु मानोगी क्या? दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। सुबह तुम समझ रहे हो कि आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो? करुणा ने सुबह की तरह संशयात्मक दृष्टि से निहारा। करुणा मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि मम्मी पापा तुमको तुरंत अपना लेंगे, वो कभी भी अपने बेटे की इच्छाओं को नहीं नकारेंगे और फिर तुमको तो मेरे जीवन संगिनी बनकर रहना है। शुभ ने अपने दोनों हाथों से करुणा का चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा। लेकिन सुब मुझको पता नहीं क्यों कुछ डर सा लग रहा है, ऐसे कैसे अचानक वो हमको अपने घर की बहू का दर्जा दे देंगे? करुणा की आंखें जिल मिला रही थी। करुणा तुम मेरे मम्मी पापा से मिली नहीं हो ना, तभी इस तरह की बातें कर रही हो, एक बार जरा उनसे मिल लो, खुद ही उनकी प्रशंसा बन जाओगी। सुब के चेहरे पर अपने मम्मी पापा के लिए बहुत ही प्रशंसा के भाव झलक रहे थे। चलिए मिलवाते हैं आपको सुब और करुणा की केमिस्ट्री से। सुब और करुणा दोनों ही कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे थे। जहाँ सुब धनाढ्य परिवार से संबंध रखता, वही करुणा एक गरीब परिवार से संबंध रखती। करुणा के पापा नहीं थे और उसकी मम्मी ने कुह को बर्तन मांझ कर पढ़ाया था और कुशाग्र बुद्धि की करुणा निरंतर प्रगरी के पद पर बढ़ती चली गई। पता नहीं कब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते आते अपना दिल एक दूसरे को दे बैठे। सुब मुझको डर लगता है कि कहीं तुम्हारे मम्मी पापा मुझको नकार ना दे। करुणा को हमेशा इस बात का डर सताता रहता और सुब हमेशा उसको बड़े प्यार से समझा देता। इत्तेफाक कुछ ऐसा पड़ा कि करुणा की मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और करुणा के साथ साथ सुब भी उनके पास पहुंच गया। करुणा बेटा, भगवान सिर्फ मुझको इतना समय दे देता कि मैं कम से कम तुमको किसी सुरक्षित हाथों में तो सौंप देती। करुणा की मम्मी कलावंती ने व्यवस्था के साथ होठों को सबाते हुए टूटी फूटी आवाज में कहा, आंटी मैं आज और अभी इसी समय करुणा का हाथ थामता हूँ। सुब ने उनके सामने ही करुणा की मांग भर दी और जैसे ही सुब ने करुणा की मांग भरी, कलावंती ने उन दोनों को बड़े सने से नियार एक गहरी सांस लेकर भगवान के थाम को सली गई। करुणा तो उस समय एकदम से टूट गई, लेकिन संभालना शुभ ने उसको। अब शुभ करुणा को अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन करुणा को सचमुच बहुत डर लग रहा था। लेकिन शुभ उसको बराबर ढांढस बंधा रहा था। शुभ करुणा को अपने साथ घर लेकर जा रहा था और उसने अपने मम्मी पापा को सिर्फ अपने आने की खबर दे दी थी। अरे शुभ बेटा, ये कौन है तुम्हारे साथ? बरखा ने जैसे ही दरवाजा खोला, करुणा को सुब के साथ देखकर शॉर्ट कूठी एक नाजुक सी सेमी लड़की बिल्कुल सुई मुई सी लग रही थी। करुणा, मम्मी अंदर चलिए सब बताता हूँ, सुब बरखा के पैर सूते हुए बोला। लो अब अंदर भी आ गए, अब तो बताओ कि ये कौन है? बरखा अभी भी बहुत असमंजस में थी। मम्मी ये आपकी बहू है, सुब बरखा के गले में हाथ डालते हुए बोला। क्या, लेकिन तुमने तो इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया, बरखा असभीत होकर बोली। पास में ही सुब के पापा रंजीत भी खड़े थे, लेकिन मम्मी बताने का मौका ही नहीं मिला। सोचा था कि कोरस पूरा होते ही आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन समय ने थोड़ा साथ कम दिया।
पहेलियां ना बुझाओ, साफ साफ बताओ कि आखिर क्या बात है। तभी रंजीत पास आकर बोले, अब तो शुभ ने एक एक करके करुणा से मिलने से लेकर और शादी तक की सारी दास्तान बता डाली। और जैसे ही शुभ ने अपनी बात समाप्त की, बरखा ने देखा कि करुणा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है और उसके मुंह से सिसकियों की आवाज निकल रही है। आंटी प्लीज मुझको अपनाएगी आप? करुणा बरखा के पैरों में झुक कर बोली। करुणा बेटा, तुम मुझसे अपने आप को अपनाने के लिए पूछ रही हो? अरे आज तो हमारी कोख धन्य हो गई जो मेरे बेटे ने इतना पुनीत कार्य किया। बरखा ने करुणा को उठाकर अपने गले से लगा लिया। बहुत खूब बेटा, आज तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सही कहते हैं लोग कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से खुश नहीं होता। हम लोग तो सिर्फ समाज में बड़ी बड़ी बातें ही करते रहे, लेकिन असली परीक्षा तो समय आने पर होती है। और तुम उस परीक्षा में पास हो गए। आज मुझको तुम्हारे संस्कारों पर सचमुच गर्व महसूस हो रहा है। रंजीत तो बेटे के इस सराहनीय कदम से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। मम्मी जी, पापा जी, आज मुझको सचमुच शुभ की बातों पर विश्वास हो गया कि उसके मम्मी पापा सचमुच समाज के जागरूक सदस्य हैं। करुणा ने बारी बारी से दोनों के पैर छू लिए और थोड़ी ही देर बाद करुणा शुभ की बाहों में खुद को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रही थी।